नैनीताल जिले के ज्योलीकोट के पास भल्यूटी गांव में वन विभाग के लगाए गए पिंजड़े में लगातार पांचवा गुलदार कैद कर लिया गया है, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने गुलदार को रेस्क्यू सेंटर भिजवा दिया है। रेंजर बीएस मेहता ने पकड़े गए नर गुलदार की उम्र करीब 6 वर्ष बताई है। क्षेत्र में और भी गुलदारों की मौजूदगी देखी गई है, जिसकी वजह से विभाग की तरफ से पिंजड़े लगाने के साथ ही शिकारियों की गश्त जारी रहेगी। आपको बता दें कि क्षेत्र में गुलदार आतंक का पर्याय बन चुके हैं, जिसकी वजह से आए दिन कोई न कोई बुरी खबर अक्सर सुनने को मिलती रहती है, जिनमें लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, जिसकी वजह से क्षेत्र में दहशत का माहौल बरकरार है। कितने बाज फट चुके हैं, क्या खतरा है? ये तो 5 बाज अभी तक इस क्षेत्र में पकड़े गए हैं। हाँ। 4 तो चोपड़ा में पकड़े गए हैं, 2 घटनाएं भी हो चुकी है और उसके बाद भी क्षेत्रों में यहाँ पर बाघ काफी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। अभी भी यहाँ पर ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि ये 2 बाघ देखे गए हैं और कुछ विगत दिनों 4-5 दिनों से गांजा मशरूम केंद्र के पास भी 3-4 दिनों से लगातार बाघ आ रहा है, जिसे रेंजर साहब को सूचित भी कर दिया गया है। तो कितना खतरा है यहाँ जनता को? तो सर ग्रामीण को तो खतरा काफ़ी है, पीछे भी 2 हादसे हो चुके हैं चोपड़ा गाँव में, काफ़ी खतरा है। जैसे पिंजरों की संख्या अगर हम रेंजर साहब से बात करते हैं, वो बता रहे हैं पिंजरों की संख्या सिर्फ 4 ही है, तो इनको पिंजरे बढ़ाने चाहिए वन विभाग वालों को और शीघ्र ही इन मादमखोर जो बाघ हैं इनको, जिससे ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।